स्मरण रहे, ये युद्ध नहीं प्रतियोगिता है, इसलिए कोई भी कुमार किसी का भी रक्त नहीं बहाएगा, अन्यथा पराजित समझा जाएगा। महाराज, कौरव कुमारों ने नकुल और सहदेव को चारों ओर से घेर लिया है। गुरु द्रोण ने पांडु कुमारों को बड़ी कठिन स्थिति में डाल दिया है। यदि वो अपने जीवन की पहली लड़ाई हार जाते हैं तो इस लज्जा से जीवन भर उबर नहीं पाएंगे। आप भूल रहे हैं महाराज, स्वर्ण आग में ही निखरता है, उसी प्रकार एक योद्धा कठिन परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। योद्धा होंगे तो देंगे ना सर्वश्रेष्ठ। पांडु कुमार, नकुल और सहदेव ने कौरवों को पराजित कर यह सिद्ध कर दिया है कि ये तलवार विद्या में सर्वश्रेष्ठ है। राजकुमार नकुल की जय, राजकुमार सहदेव की जय, राजकुमार नकुल की जय, राजकुमार सहदेव की जय, राजकुमार नकुल की जय। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े और देखे हैं, परंतु आज नकुल और सहदेव ने जो तलवार का प्रदर्शन किया है अद्भुत। ऐसी तलवार क्रीड़ा जीवन में प्रथम बार देख रहा हूँ। आप सत्य कह रहे हैं पितामह, किंतु उससे भी बढ़कर आज जिस प्रकार संपूर्ण हस्तिनापुर वासियों के सम्मुख इन्होंने विजय प्राप्त की है, इनका आत्मविश्वास सदैव ऊंचा रहेगा और आने वाले समय में ये कठिन से कठिन युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। धैर्य पूर्वक जो मनुष्य कठिनाइयों का सामना करता है वही विजेता होता है, बल से नहीं, आत्मबल से। जो मनुष्य समस्याओं के सम्मुख अडिग खड़ा रहता है वही विजेता होता है। हारने और जीतने वाले मनुष्य में केवल एक ही अंतर होता है, हारने वाले के पास एक बहाना होता है और जीतने वाले के पास एक योजना।